गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सेमिस्टर टू लास्ट पेपर है आपका इनकम टैक्स एक्ट का मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सेवन क्वेश्चंस जो बहुत मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन्हीं के अंदर पूरा का पूरा, पूरा आपका पेपर कवर हो जाएगा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पर्सन क्या होते हैं और फाइव हेड्स ऑफ इनकम ये आपको सब पता होना चाहिए सेकेंड क्वेश्चन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना है कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम होती हैं एग्रीकल्चर इनकम एग्जेप्ट होती है और पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम आपको पांचों हेड्स इनकम टैक्स के जो पांचों हेड्स होते हैं उनके जो चार्जिंग सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन में जहाँ पर डेफिनेशन लिखी होती है और किस किस इनकम पर टैक्स लगता है वो पाँचों हेड्स की आपको चार्जिंग सेक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इनकम टैक्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन डेप्रीसीशन अंडर द हेड पी जी बी पी डेप्रीसीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए फिर हम आते हैं कैपिटल असेट्स क्या होते हैं और ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है अंडर कैपिटल गेन और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा उसके अंदर आपसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी उसके लीगल प्रोविजंस आपसे पूछेंगे कि कब कब कितनी इनकम पे हाउस प्रॉपर्टी पे क्या उनकी कैलकुलेशन होती है और इसी के जो सेकंड पार्ट चॉइस में है उसमें है सैलरी के बारे में कि सैलरी के अंदर कौन कौन से इनकम टैक्सेबल होते हैं क्या रूल्स फॉलो करते हैं इनकम टैक्स एक्ट में थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा इसी में से ही पेपर कवर होगा आराम से पेपर क्रैक हो जाएगा टेक केयर थैंक यू सो मच फ्रेंड्स